नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 14वें सीजन में अभी तक शानदार खेल दिखाया है। सीजन के दूसरे हाफ में विजयी रथ पर सवार सीएसके प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इस सीजन में सीएसके ने 11 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक हैं, वो अंक तालिका में पहले पायदान पर है। हालांकि धोनी की कप्तानी वाली सीएसके के लिए पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था। ये टीम आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन इस सीजन में सीएसके ने धमाकेदार वापसी की है और सभी को चौंका दिया है। इस सीजन की शुरुआत से पहले कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने सीएसके को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। यहां तक कहा गया कि आईपीएल 2021 में भी ये टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी, लेकिन सीएसके ने इस भविष्यवाणी को अपने प्रदर्शन से गलत साबित कर दिया। आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर और संजय मांजरेकर ने सीएसके को इस सीजन में भी प्लेऑफ की रेस से बाहर बताया था। इन तीनों दिग्गजों ने टीमों को लेकर अपने प्रिडिक्शन में कहा था कि सीएसके एक बार फिर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। आकाश चोपड़ा ने कहा था सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी। गंभीर ने कहा था पांचवें नंबर पर रहेगी, जबकि संजय मांजरेकर ने कहा था कि उनको नहीं लगता कि सीएसके इस बार भी टॉप फोर में रहेगी। लेकिन धोनी की कप्तानी वाली सीएसके कहां इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करती है। सीएसके ने इन सभी की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए आईपीएल 2021 में सबसे पहले प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि सीएसके ने अपने आईपीएल 2021 के सफर की शुरुआत हार के साथ की थी। सीजन के पहले ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि सीएसके पिछले साल वाली कहानी फिर से दोहराएगी, लेकिन इस टीम ने ऐसी वापसी की कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी तक इस सीजन में सीएसके को दो हार का सामना करना पड़ा है, इसमें एक दिल्ली के खिलाफ तो दूसरी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद धोनी ने टीम के प्लेऑफ में पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछली बार मैच के बाद मैंने कहा था कि हम मजबूत वापसी करना चाहते हैं, हमें उससे सबक मिला। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को पूरा क्रेडिट जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।